अरे एक ही घर का है, एक ही किचन है, फिर भी आप 250-300 रुपए कूड़े के ले रहे हैं। जाते हैं और नशा करते हैं और किसी की दीवेटी को छेड़ते हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ी समस्या ये है मलिकाना हक, ये बहुत बड़ी समस्या है। मकान जो है नाम नहीं हो रहा है, जो कि हमें बोलते हैं कि जो हमारे मकान है इनकी रजिस्ट्री होंगी, जो कि आज तक नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस बार चंडीगढ़ में कौन सी पार्टी आ? हमें तो लगता है कि कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए तो अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का दौर सर पर है। इस समय सारे उम्मीदवार पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स को लुभाएं और उनके दर उनके घर पर जाएं। दूसरी तरफ अर्थ प्रकाश की टीम हर वोटर के पास जा रही है, जाके ये जानना चाहती है कि वोटर की क्या है राय, क्या सोचते हैं, कौन से उनके मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल से अटके हुए हैं, 5 साल से अटके हुए हैं या पिछले एक लंबे समय से अटके हुए हैं। आज अर्थ प्रकाश की टीम आई है चंडीगढ़ की विकास कॉलोनी में, विकास नगर में। तो यहाँ पे जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या है राय। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? खुशीराम यादव। खुशीराम जी, कितने समय से आप रहते हैं चंडीगढ़ में? 24 साल हो गया जी। 24 साल से। तो मुझे ये बताइए कि इस कॉलोनी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। लीडर आते हैं, आपको हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन वो सब जो मुद्दे हैं वो पूरे नहीं हो पाते, ऐसी कौन सी बातें हैं? पहला मुद्दा ये है जी, बार बार ये कहते हैं तुम्हें मलिकाना हक मिलेगा, एक तो वो नहीं मिला। दूसरे, टंकी बहुत दिन की बनी हुई, ठीक है जी, वो आज तक चालू नहीं हुई। तीसरे, सफाई का था, सफाई शुरू हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बस हमारे लिए तो यही है। आप ये बताइए कि 25 साल से लगभग आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं, इस कॉलोनी की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से अटकी हुई हैं? लीडर आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, फिर 5 साल वो नज़र नहीं आते, फिर वोट आते हैं, फिर आपके साथ वो बातें करते हैं, फिर आश्वासन देते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, वैसे मालिकाना हक का ही है। मालिकाना हक, तो ये सर छोटी बात है, आपको अगर लगता नहीं है तो अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उन तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी? आपको लगता नहीं है कि ये समस्या है? मालिकाना हक की ही समस्या, बाकी तक कोई सर आपके पास घर का मालिकाना हक नहीं है, छोटी समस्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो तो नेता लोगों का हाथ है, हम लोगों का हाथ तो कुछ नहीं। सर नेता लोग क्यों बोलेंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे नेता लोग क्यों बोलेंगे? सर हम अकेले क्या कह सकते हैं, ये तो सब पब्लिक के साथ होता है ना। सर आपकी एक वोट की क्या वैल्यू है, आपको पता है? हमें तो ये पता, वोट डालने के, वोट डालने नहीं, आपको एक पता, आपकी एक वोट से सरकार बनती है, ये आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो है, बनती है ना। हाँ बनती है। तो सर आप देखिए, मैं बीइंग अ पत्रकार ये बातें नहीं कह सकता, पर आपको आपके हक और आपकी जो मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, आपको उन चीज़ों का तो पता होना चाहिए ना। देखो हम तो बैठे अपना कमा रहे खा रहे, हमें तो अपनी अपने लेवल में तो कोई मजबूरी लगी नहीं है, बाकी पब्लिक का पता नहीं है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? शिव बालक। शिव बालक। हाँ जी। शिव जी मुझे ये बताइए, आप चंडीगढ़ में कितने समय से रह रहे हैं? 30 साल हो गए भाई। 30 साल। हाँ जी। इस कॉलोनी में रहते हो कितने समय? स्टार्टिंग जब से कॉलोनी है तब से यहीं रह रहा हूँ। अच्छा भाई साहब ये बताइए, इस कॉलोनी की ऐसी कौन सी समस्याएं जो पिछले लंबे अरसे से अटकी हुई हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं? लीडर आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समस्याएं वहीं के वहीं हैं। नहीं फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, इसी बार पानी भी सब आ रहा है, बराबर आ रहा है। एक समस्या बहुत तगड़ी है, जो हमारी मंडी लगती है, मंडी लगने के बाद इन्हें फुकरे घूमते हैं, फुकरे इतने घूमते हैं कि पूछो मत। चौधरी साहब आप चंडीगढ़ में कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो पिछले 25 साल से रह रहा हूँ जी, इसी कॉलोनी में। तो भाई साहब ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले लंबे अरसे से अटकी हुई हैं? लीडर आते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं। देखिए जी, मैं अगर हकीकत बताऊं तो समस्या तो लोगों की होती है, मगर मैं सुलझा ही लेता हूं जी। मेरे को पता है आगे जाके कुछ होना नहीं है, बहुत जो आप कह रहे हो समस्याओं के लिए कहना आसान बात है जी, चलो कह देंगे ये है, करता कोई पूरे नहीं है। हमारी तो देख, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारी ये कोशिश है कि हम जो आपकी समस्याएं वो प्रशासन तक या उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग आज उम्मीदवार हैं, उन तक पहुंचाएं, कहीं तो उन चीज़ों का कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। वो तो ठीक है जी, जो आपका काम है, आप ये बातें हमसे पूछ रहे हो, आप जानोगे आगे पहुंचा दोगे, आपका काम है जी, बट सही मायने में इन पे काम होता है, आप बताओ। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ कि वो समस्याएं जो मुझे बताएं। मेन जो समस्या जी, मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, जो यहाँ रात को सही में जो कह रहे थे आदमी कि लोग इस तरह नजायज घूमते रहते हैं, नशे वशे करते रहते हैं, आम जनता इधर उधर जो काम करने जाती है वो उनके मतलब चक्करों में आ जाती है। बंदे समझते तो है नहीं जो नशे में रहते हैं, चल जो नशे में रहते हैं वो समझते तो है नहीं कि कौन क्या है क्या है, उनसे गलत व्यवहार हो जाता है। रात को कोई आता है, मार दिया, छीन लिया, पुलिस आ
आजकल तो देखिए, आजकल ये देखा जा रहा है पुलिस गश्त पे रहती है रेगुलर, इन पिछले कुछ दिनों से देखता हूँ आठ बजे से गश्त पे रहती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, लोगों के अंदर भय भी हुआ है कि चलो यार अब कुछ गलत करेंगे तो पुलिस घूम रही है, पकड़े जाने का डर होता है, इससे सुधार आया है। डर तो होता ही है, जो गलत करने वाले हैं उनको गलत डर तो होगा, तो ये चीज़ें ना एक रेगुलर है, ये जो पुलिस का डर है जो आज के डेट में घूमते हैं तो जो गलत करने वाले हैं उनको डर रहता है, तो ये चीज़ रेगुलर उनके मन में रहे कि नहीं वो रहे चाहे ना रहे, एक डर होना चाहिए प्रशासन का कि नहीं अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, बस ये चीज़ सुधरनी चाहिए बस, और कुछ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? शशि बागड़ी। शशि जी आप कितने समय से चंडीगढ़ में रह रहे हैं? सर बोनी चंडीगढ़ गए, 35 ईयर हो गए अपने को। ओके, चंडीगढ़ में पैदा हुए हैं आप? जी जी जी। तो भाई साहब इस कॉलोनी में कितना समय हो गया आपको? 99 से हैं। 99 से हैं, तो मान के चलें 25 साल अप्रॉक्सीमेटली हो गए आपको यहाँ पे। जी। तो अब ये बताइए कि 25 साल से इस कॉलोनी की ऐसी कौन सी समस्या है जो बड़ी समस्या है, अटकी हुई हैं, लीडर आते हैं आश्वासन देते हैं चले जाते हैं लेकिन समस्या वहीं की वहीं है, ऐसी कुछ समस्या है इस कॉलोनी की? समस्या तो देखो जी बहुत सारी हैं, जैसे कि पहले समस्या ले लो कि हमें बोलते हैं कि जो हमारे मकान हैं इनकी रजिस्ट्री होंगी जो कि आज तक नहीं होंगी, हर लीडर आगे बोल के जाता है, इलेक्शन से पहले बोल के जाता है, इलेक्शन के बाद सब चले जाते हैं, रजिस्ट्री कोई नहीं हुई है। यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है जो कि सीवरेज का पानी कई बार मिक्स हो के आता है, गंदा पानी हो के आता है, और ये हमारी जो मार्केट बनी है ये ठप पड़ी हुई है मार्केट के, इसके रेंट इतने ज़्यादा हैं कि कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, सब मार्केट बंद है, और बहुत बहुत सी समस्याएं हैं। जो मालिकाना हक की बात है इसके लिए आपने कभी कोई कोशिश की? आप सर हर लीडर आता है, हर मोस्टली सर लीडर जानते ही हैं, बात करते हैं, हाँ कराएंगे, तो कराएंगे। चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है। होता है नहीं है, और उसके बाद जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ईएमआई पे करनी पड़ती है, वो जाई जा रही है, फिर भी जाई जा रही है, हर कोई बोलता है कि रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री हो जाएगी। 25 साल से ईएमआई जा रही है आपकी? हाँ जा रही, सबकी ईएमआई जा रही है। ठीक है जी जी। तो अभी तक उसका कोई सलूशन नहीं मिला। दूसरी तरफ बात करते हैं पानी की, मैंने सुना यहाँ पे क्योंकि टैंकी बनी थी। टैंकी बनी हुई है जी? टैंकी बनी है जी, टैंकी है। तो पानी वो मतलब चल नहीं रही है क्या? चलती है, पानी सप्लाई आती भी है, कई बार गंदा पानी आता है। अच्छा। कई बार गंदा पानी आता है, साफ नहीं आता, कई बार प्रॉब्लम। आपने इसके लिए कभी पॉलिटिकल जो यहाँ के हमारे लीडर्स हैं या हमारे सांसद हैं आपने उनसे जाके कभी बात की इस बारे में? नहीं देखो मोस्टली सबको पता ही है, बट हमने तो अपने घर में आरओ फिल्टर वगैरह लगा रखे, किसको कितना बोलेंगे। एक बार खुद मेरे घर में पानी के कीड़े निकले थे, तो जब ये बताया था उसके बाद शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन फिर भी कई बार गंदा पानी आ जाता है। देखिए जी अभी फिलहाल जो है हमें बीजेपी की है पार्टी हमारे यहाँ पर, और बीजेपी की में जो हमारे अनिल दुबे जी हैं उन्होंने मोस्टली सबके काम कराए भी हैं और करते भी हैं, मतलब इस चीज़ में देखा जाए रोड में स्वीपिंग में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब से वो इन्होंने संभाला हुआ हमारा विकास नगर बेस्ट है सब कुछ। आप देखा जाए रोड के बारे में और उनके पास कोई भी कंप्लेंट लेके जाएं वो शॉर्ट आउट होती है, तो हमें जरूरी नहीं है कि पार्टी कौन सी है लेकिन हमारा नेता बढ़िया है। आप चाहते हैं कि काम करने वाला आदमी आए, जो भी आए, पार्टी पार्टी कोई भी आए लेकिन काम करना, उनके पास कॉलोनी का कोई भी बंदा चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं और हमारी कॉलोनी का बड़ा अच्छे ध्यान रखते हैं, जो कि दुबे जी हैं, अनिल दुबे जी हैं। रोशनलाल जी आप कितने समय से चंडीगढ़ में रह रहे हैं? चंडीगढ़ से तो 35 साल से। 35 साल से हैं। तो भाई साहब ये विकास नगर जो है इसमें कितने समय से हैं आप? इसमें यहाँ भी 20-25 साल से हैं। 20-25 साल से हैं। तो 20-25 साल से विकास नगर की ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो वहीं की वहीं हैं? लीडर आते हैं हर 5 साल बाद, आपको आश्वासन देते हैं लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं। जैसे मालिकाना हक देने की बात आती है जहाँ पे, तो मालिकाना हक दिया नहीं गया है, उल्टा टैक्स लगा दिया गया है, क्योंकि 50 गज से कम प्लाट है इन पर टैक्स गवर्नमेंट का बनता ही नहीं है। हाउस टैक्स लग गए यहाँ पे? हाउस टैक्स लग गया, प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, सब टैक्स लगा दिया, मालिकाना हक देने की बजाय प्रॉपर्टी टैक्स हाउस टैक्स लगा दिया यहाँ पर। अच्छा। जो कि 50 गज से कम जमीन होती है उस पर प्लाट पर टैक्स बनता ही। आप ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे सिक्योरिटीज जो है उसका थोड़ा बुरा हाल है, यानी कि यहाँ पे नशा लोग करते हैं और दिक्कतें हैं? हाँ जी, नशा बहुत होता है और कई कत्ल हो चुके हैं कॉलोनी में। अच्छा जी। हाँ जी। उसके लिए क्या आप लोगों ने कभी मिलके पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं करी? हाँ जी, पुलिस को की है, पर पुलिस कार्रवाई आजकल फिर भी ठीक कर रही है कार्रवाई। अच्छा। हाँ, पहले से बेहतर स्थिति है आजकल। आपकी कोई मांग है? मांग तो ये मालिकाना हक दिया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाए, बस यही मांग है। यहाँ के ऐसी कौन सी समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं जो पिछले लंबे अरसे से अटकी हुई हैं? लीडर आते हैं आश्वासन देते हैं हर 5 साल बाद लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। मालिकाना हक, मकानों का मालिकाना। हाँ, मालिकाना हक ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों का, गरीब लोगों का, इसलिए कि अगर मालिकाना हक मिल जाए तो लोन भी मिल सकता है थोड़ा बहुत, कोई मतलब काम फंस जाए तो ले सकते हैं लोन, ऐसे यहाँ पे लोन मिलता नहीं है।
ठीक है, यही मेन मतलब, बाकी तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। महंगाई तो, महंगाई भी समस्या है, लेकिन महंगाई तो देखिए जब तरक्की होगा देश का तो महंगाई भी बढ़ेगी साथ साथ, ये तो सब कुछ ठीक है। बाकी मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, तो बीजेपी ठीक है। मोदी जी मतलब मोदी जी को लेके हम चलते हैं, इसलिए मोदी जी को हम मानते हैं। उनसे तो मिलके भी कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया अच्छे सोनकर जी हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं वो। बाकी हम लोग दुबे जी से ही कोई काम होता तो कराते हैं। ठीक है, हाँ दुबे जी के पास ही जाते हैं, दुबे जी हमारे सुनते हैं। तो 99 में जब एक क्वार्टर अलाटमेंट हुआ तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 साल आपको किस्त देना पड़ेगा, 5 साल के बदले हम 25 साल देते रहे। 25 साल में इन्होंने रेट बढ़ाई जा रहा है, एक पे एक बीता का क्वार्टर है, एक बीता का प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। कार गुजार 4 मंजिला है तो आपको 800 रुपये कार गुजार देना पड़ेगा, कूड़ा का पैसा, लेटरिंग का पैसा। ये कोई नियम तो नहीं है ना गरीब आदमियों को? आज तक भाजपा गवर्नमेंट ये नहीं पूछा कि कौन खा रहा है, कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है। अलाटमेंट रेडी कर देता अपने नाम से तो लोग कर्जा कुआ लेकर अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई या शादी शुदा करते। ऐसा बैंक नहीं मानती इस चीज़ को। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मतलब इन मकानों पे आपको लोन भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, नॉट फेलिंग अबाउट ऑन, कुछ नहीं है इसमें। किराएदार हैं, किराएदार रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। पहले 55 रुपया था, 355 हो गया इसका किराया हर महीना। टैक्स अलग से, पानी बिजली अलग से। ये तो बाहर हम लोग रह लेते वो ठीक था, यहाँ रहने से अच्छा बाहर रह लेते वो ठीक था। क्या किया जाए, जिसके पास 4 बच्चे पढ़ा नहीं सकता, स्कूल मनमानी है, 2000 के बदले 5000 फीस ले रहा है वो, कोई पूछने वाला, कई बार रिपोर्टर रिपोर्टी हुई, कोई पूछने वाला नहीं है, समझे क्या? हाँ जी, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है इस बार चंडीगढ़ में कौन सी पार्टी आ सकती है? हमें तो लगता है कि कांग्रेस आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए तो अच्छा है। मेरा यही है कि जब मेरे घर के कागज नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, नहीं कागज क्यों नहीं मिल रहे हैं? कागज नहीं मिल रहा है कि मेरे गोतनी दूसरा कोई के लिख के चला गई, अब बोल रही जो मेरी है तो मेरे को तो दिए नहीं, मैं दूसरा कोई से लिया हूँ। अच्छा, आपने किसी और से खरीदा है? हाँ, मेरे को दिया नहीं, अब बोलती है जो मेरी है तो। अच्छा, तेरी कैसे हो, जो मेरे को देती हो तब ना तेरे होगा, मेरे को तो तू दिया नहीं। जब से अलाटमेंट हुआ था यहाँ से, हम 1999 से यहाँ पर रह रहे हैं, और जब उससे ज़्यादा हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। क्या ऐसी बड़ी समस्या है जिस वजह? समस्या ये है कि जैसे हम शरीफ लोग हैं, हमारा यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि जितने लोग नशा करते हैं गली में आते हैं और नशा करते हैं और किसी की दीवेटी को छेड़ते हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ी समस्या ये है। और सबसे पहले समस्या ये है कि पहले 1 ट्वेल होता था यहाँ पर, अब 5 ट्वेल होने के बाद भी पानी प्रॉपर नहीं मिलता। ठीक है जी, एक बड़ी टंकी बनाई है, उसमें आज तक पानी का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है जी, और सबसे पहले समस्या ये है कि हमारे को आश्वासन देते हैं जो भी पार्टी आती है, कहते हैं कि तुम्हारे का ये अलाटमेंट तुम्हारे नाम से हो जाएगी। आज तक हमारे को किसी ने नहीं पूछा कि ये अलाटमेंट तुम्हारे नाम से होगी। 25 साल से नहीं, अलाटमेंट आपके नाम या रजिस्ट्री आपके नाम की बात करें? कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है हमारे, पावर ऑफ अटॉर्नी पे चल रहा है सर, अटॉर्नी पे चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए आपने कभी किसी सांसद को या प्रशासन को जाके अप्रोच की है? सबको किया है जी, अनिल दुबे जी को भी बोला, जो उनसे कांग्रेस पार्टी के पहले ये तिवारी जी थे, इनको भी बोला, कई लोग आते थे यहाँ पर। ठीक है जी, हाँ जी, कांग्रेस पार्टी वालों को भी बोला, आप पार्टी वालों को बोला, सबको बोला कि हमारा ये जो ये समस्या हमारी खत्म की जाए लीज प्रणाली की। इलेक्शन जाते हैं फिर दोबारा वही समस्या हमारी रह जाती है, अभी तक हमारे ये नाम नहीं हुए, इसकी हमारी किस्त कटती है मंथली। 25 साल से मंथली किस्त जा रही है बस, कर रही है, और 99 साल पता नहीं कब तक कटेगी हमें भी नहीं पता, और ये हर साल कुछ ना कुछ टाइम बार बढ़ जाती है हमारी किस्तें। और अब तो हमारे को मकानों के वो भी देने लग गए, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस आने लग गए, नहीं टैक्स भी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी हमसे लेने लग गया अब तो। हमें इसका पता नहीं है, हमें इसका पता नहीं कि कितनी इनकम है, यानी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है हमें नहीं पता, और उसके प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं हमसे ले रहे हैं अब तो। अच्छा जी, हाँ जी, तो इस बारे में आपने कभी आपके जो सांसद हैं यहाँ के उनके पास अप्रोच नहीं किया आप लोगों ने? ये सबके वादा क्या था, ये आपको देना पड़ेगा। नहीं चलो, प्रॉपर्टी टैक्स तो एक अलग बात है, जैसे आप बात कहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, आपके नाम नहीं हो रही प्रॉपर्टी, ये उस टाइम भी जब इस टाइम पिछली बार इलेक्शन हुए थे तब भी हुआ था कि ये मुद्दा पहले भी छिड़ा था, उनसे हमारे आश्वासन मिला था कि ये इस बार हो जाएगा, बट ये अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा और कोई समस्या आप? बाकी तो इस माहौल में ज़्यादा गुंडागर्दी तो रहती है, सख्ताई भी काफ़ी है, पुलिस भी रहती है यहाँ पे, देखती है, मेंटेन करके रखती है। पहले गलियों में लोग बाइकें लेके घूमते थे, लेकिन वो बंद है, अब नहीं घूमते। जैसे अभी पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है,
काफ़ी दिनों से हो रही है, करीब 15-20 साल से देख ही रहा हूँ मैं। अच्छा जी। कि जैसे दोपहर में पानी नहीं आता और जैसे कंप्लेंट भी करो तो कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन मैंने तो सुना है कि यहाँ पे एक टंकी बनी हुई है। टंकी देखो जी, मैं जब आया था एक ट्यूबवेल था, पहले पानी की समस्या नहीं थी, अब 5 ट्यूबवेल होने के बाद ही समस्या आ रही, दोपहर में पानी नहीं आता हमारे इधर। अच्छा जी। हाँ जी। इसके अलावा कोई और समस्या? इसके अलावा भी अगर वो यहाँ पे नशेड़ी काफ़ी घूमते रहते हैं और नशे पत्ते करते रहते हैं यहाँ पे। अब ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल आज भी देखो ट्यूबवेल ख़राब पड़ी है, दोपहर में पानी नहीं आ रहा। और हमारे जैसे कि राशन पहले मिल जाता था हमें, दोपहर महीने में राशन मिलता जाता था, और राशन बंद हो गया है। अच्छा जी। नहीं चलो, ये तो सरकार की पॉलिसीज़ हैं। ये पॉलिसी है। हाँ जी। क्योंकि हमें परेशानी तो हमें हो रही है, अब सरकार चाहे जो मर्जी पॉलिसी अपनाए, हमारे को दिक्कत हो रही है। क्योंकि राशन पानी पहले मिल भी जाता था, लेकिन अब 5-6 यानी कि साल 1.5 साल से बंद है। जो मेन समस्या सफाई की यहाँ पे है, जैसे अभी क्या है गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा उठाने वाली है, लेकिन क्या है डस्टबिन कहीं भी नहीं है। मेन है डस्टबिन कहीं भी नहीं है यहाँ पे। आप कूड़ा फेंकना है ना आपको, तो यार जेब में रखो, कहाँ कहाँ फेंकेंगे, लोग खा कर फेंकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बंदे लगा रखे हैं सफाई के लिए, आते हैं सफाई करते हैं, लेकिन क्या डस्टबिन फेंक कूड़ा होता है। तो समझना चाहिए कि उनके लिए कोई डस्टबिन लेके लगाए, हर 200-300 मीटर दूर पर एक डस्टबिन होना चाहिए, ये मेन होना चाहिए। समस्या तो यही है, मकान जो है नाम नहीं हो रहा है। अच्छा, मकान तो होना चाहिए नाम ना। ठीक है। और यही कमाओ, जो कमाओ बिजली पानी के बिल भरो, यही समस्या ज़्यादा है। दूसरे पार्क नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पार्क नहीं, आप देख ही रहे हैं कितना गाड़ी घोड़ा भीड़ भड़का रहता है। जैसे पार्किंग भी नहीं है यहाँ पर। पार्किंग तो खैर पूरे चंडीगढ़ में भी कहीं नहीं है जी। वो तो नहीं है, लेकिन है पार्क है लोग के, हम लोग को पार्किंग की, पार्किंग की गाड़ियों की पार्किंग की बात करेंगे। वो नहीं, जैसे पार्क पूरक होता है जैसे सही रहता है, पार्क नहीं है। और बिजली पानी का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। जब आपके पास उम्मीदवार ये वोट लेने आते हैं तो आप अपनी मांग पत्र रखते नहीं उनके सामने? बोलते हैं, सब कहते हैं, हम वादा तो सब करते हैं, लेकिन वादा भूल जाते हैं जीतने के बाद से। फिर वादा तो सब करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई क्या लगता है जी, इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है आपकी नज़र में? कोई भी जीते पर बढ़िया काम करे। टैक्स लगता है वो बंद हो जाए, लैट्रिन बाथरूम के तीनों मंजिल चारों मंजिल के लैट्रिन बाथरूम के चार्ज लेते हैं लोग। हाँ, रसोई की भी चार्ज लेते हैं लोग। टैक्स लगता है, जिंदगी भर हम किस्तों भरते रहेंगे, ये तो माफ करना चाहिए। सीवरेज का सेस हो गया, आप इसका सेस होता है, उसका सेस, क्या क्या चीज़ें नहीं, हम कूड़े के भी दे रहे हैं, पहले वैसे लग जाता था, अब 250-250 रुपये मिल लग रहे हैं उसके, हमारे किचन के हिसाब फ्लोर वाइज लग रहे हैं। अरे एक ही घर का है, एक ही किचन है, फिर भी आप 250-300 रुपये कूड़े के ले रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कभी आपने प्रशासन को जाके बात की? कुछ नहीं होता है, किसी को भी बोलो जो आते हैं कहते हैं हाँ ठीक कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, दो चार दिन हल्ला गुल्ला होता है, वो शांति से बैठ जाते हैं। सो दोस्तों, इलेक्शन के इस दौर में जैसे मैंने पहले भी कहा कि वोटर जो है वो सर्वोपरि है, वोटर उम्मीदवार के लिए भगवान है, लेकिन वोटर को शायद अपनी पावर से ही नहीं पता। आज हमने बात की विकास नगर चंडीगढ़ के लोगों से, और उन लोगों को उन अपनी समस्याओं के बारे में ही पूरी तरह से नहीं पता है, जो वो समस्याएं वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि उनको चंद कुछ ऐसे लोग हैं, चंद कुछ ऐसे प्रधान हैं जो उनके अपने सेक्टर अपनी कॉलोनी में हैं और वो उनको गाइड करते हैं। खैर, हमारा काम तो लोगों की आवाज़ प्रशासन तक या उन उम्मीदवारों तक या उन लोगों तक पहुँचाना है जो इन समस्याओं का हल कर सकते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।